हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम अमनदीप है और आज आपके साथ एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आया हूं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग है। यहां पर पीएचडी प्रोग्राम 2020-21 से सेशन के लिए मांगे गए हैं। तो आप इस नोटिफिकेशन के बाद इच्छुक हैं या इस यूनिवर्सिटी में हिस्सा लेना चाहते हैं जो कि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, तो आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये इसकी ऑफिशियल फोटो है। इस यूनिवर्सिटी में आप हिस्सा ले सकते हैं और ये जुलाई 2008 से काम कर रही है। आई यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो चुकी थी, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस यूनिवर्सिटी में अगर बात करें साइलेंट फीचर्स की, तो साइलेंट फीचर्स से यहाँ पर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को और कैरेक्टर बिल्डिंग में काफ़ी फोकस रहता है। इस यूनिवर्सिटी में कैसे पहुँचे, तो ये आपका जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वो रेलवे स्टेशन जो है वो पेंद्रा रोड रेलवे स्टेशन नज़दीक है। इसके नियरेस्ट एयरपोर्ट और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप की रिगार्डिंग बात है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके ज़रिए आप पहुँच सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स, सभी कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और पे करनी होगी जो भी इसका फी है। वो जो भी कैंडिडेट्स JRF क्वालिफाइड हैं या CSIR क्वालिफाइड हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, वो इस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और जो कैंडिडेट्स ये क्वालिफाई नहीं है उनको एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही यहाँ पर मौका मिलेगा। इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो आप अब से फॉर्म फिल कर सकते हैं और क्लोजिंग डेट की बात करें तो 20 मार्च से तक आप इस यूनिवर्सिटी में फिल कर सकते हैं अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर आप 24 मार्च से कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका डेट है वो 29 मार्च रहेगी। इस यूनिवर्सिटी में पेमेंट की बात करें तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स 500 रुपये पे करेंगे, 300 रुपये पे आपके SC ST PH कैंडिडेट्स करेंगे अलॉन्ग विद द बैंक चार्जेस। तो ये जो भी आपका डिजिटल स्कैन, जो भी आपको सिग्नेचर है, फोटोग्राफ है, वो आप ज़रूर ध्यान से पहले से ही कर लें जब आप फॉर्म फिल करें। ऑफलाइन मोड पे कोई ये फॉर्म फिल नहीं होगा। ये प्रस्क्राइब्ड आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे जो PhD इस यूनिवर्सिटी से होंगे, तो इसमें कोई सब्जेक्ट वाइज कोई सीट मेंशन नहीं है, तो ये एक माइनस पॉइंट है इस यूनिवर्सिटी का। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आप इस इन सब्जेक्ट्स में भर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर की बात की जाए तो आपके स्टेट्स होंगे मध्य प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, उत्तराखंड, UP, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे जिनमें आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इम्पोर्टेंट नोट की बात करें तो SC ST PWD या कश्मीरी माइग्रेंट स्टूडेंट्स के लिए 5% रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। और इस यूनिवर्सिटी में आप एंट्रेंस टेस्ट होगा वो रिटन बेस और प्रैक्टिकल टेस्ट या इंटरव्यू पर डिपेंड रहेगा। OMR बेस रहेगा, तो ये आप बिल्कुल ध्यान दें कि OMR सीट पर आपका एवेल्यूएट किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप आपको OMR मिलेगी, ये ऑनलाइन पेपर नहीं है। PhD प्रोग्राम के लिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स हैं जो कि PhD यहाँ पर कराएंगे। इनके लिए आप 55% नंबर चाहिए आपको, और आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% नंबर आपको चाहिए एलिजिबल होने के लिए। जो कैंडिडेट्स फाइनल एग्जाम में हैं, मतलब कि मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं और फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका पैटर्न है, इसका पैटर्न आपका नेट JRF के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होगा और स्टैंडर्ड भी वही रहेगा। पार्ट 1 और 2 में इसको डिवाइड किया हुआ है। 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि टेस्ट करेंगे कैंडिडेट की रिसर्च एप्टीट्यूड और रिसर्च मेथोलॉजी। 70% ऑब्जेक्टिव जो टाइप क्वेश्चन होंगे वो कैंडिडेट का नॉलेज चेक करेंगे सब्जेक्ट डोमेन पे। ये आपकी इस यूनिवर्सिटी में इम्पोर्टेंट नोट रहेगा। जो भी कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है वो अपनी सभी सर्टिफिकेट्स अपने साथ लेकर जाए, ले फिल कर दे और वैलिड आपकी होनी चाहिए, ये आप ज़रूर ध्यान दें। इस यूनिवर्सिटी में आप हिस्सा ले सकते हैं और ये बहुत अच्छी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश की गई है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें हिस्सा लें। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक।
और ऐसी ही वीडियोस में लेकर आता रहता हूं। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें और इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बेल आइकन लाइक बटन दबाएं और अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक बटन भी ज़रूर अवश्य दबा कर जाएं। कमेंट सेक्शन में आप कोई भी डाउट्स हैं पूछ सकते हैं, फ्री है बिल्कुल, उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।